जन्मदिन का अवसर था और ऐसे में प्रतीक सहजपाल ने अपने मेंटर, अपने गुरु और अपने कॉम्पिटिटर करण कुंद्रा को दिया एक स्पेशल तोहफा। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RHULBHOJ के नाम से, राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। प्रतीक सहजपाल की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रतीक सहजपाल ने करण कुंद्रा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जन्मदिन के दिन एक स्पेशल तोहफा दिया है, ऐसा तोहफा जो कि तेजू ने दिया था ऑलरेडी करण को। हम सबको पता है कि करण कुंद्रा के लिए तेजू ने, यानी कि तेजस्वी प्रकाश ने खीर बनाई, और ऐसे में खीर बनाने के वक्त उन्होंने यही बात बोली थी कि ये करण कुंद्रा के लिए है। हालांकि वो बिग बॉस से नाराज भी हो गई थी और बोलने लग गई थी कि भाई बिग बॉस, आपने केक कैसे भेज दिया। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रतीक सहजपाल ने क्या किया है। प्रतीक सहजपाल ने करण कुंद्रा के लिए दोस्तों स्पेशल उनकी पसंद का खाना बनाया है। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल दोस्तों लाइव फीड में हमने देखा कि प्रतीक सहजपाल ने स्पेशल खाना बनाया है और करण कुंद्रा उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवादी भी है। करण कुंद्रा को हालांकि प्रतीक सहजपाल दोस्तों पीठ के पीछे ये बात बोलते हुए हमें नजर आता है, वो बहुत शाना है, गेम खेल रहा है, वो हमको चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो वो अपना मेंटोर मानता है। घर के बाहर वो बहुत ज्यादा इज्जत करता है, घर के अंदर भी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, और अब देखना ये होगा कि करण कुंद्रा के साथ प्रतीक सहजपाल का रवैया कैसा रहता है। हम तो देखना चाहते हैं कि जब करण और प्रतीक आपस में टकराएंगे उस वक्त क्या अंजाम होगा। लिटरली एक्साइटेड है। सो गाइज, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस, कमेंट करके जरूर बताएं। प्रतीक दिल का उतना बुरा नहीं है, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट कर दें, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।